Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। रोचक भी नहीं चाहता था ना कि तुम मेरे साथ परफॉर्म करो। हाँ, चाहता तो नहीं था। वो मुझे न्यू ईयर पार्टी में भी डांस करने से रोक रहा था और पता नहीं क्या क्या कह रहा था। वो झूमर मुझ पे एक्सीडेंट से नहीं गिरा था, किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी और पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल सही कह रहा था इसका मतलब रोचक तुमसे, क्योंकि जो झूमर तुम पे गिरने वाला था वो रोचक ने तुम पे गिराया था। क्या? हाँ। सरेंडर साहब, आप सबको सच बताता हूँ, सच्चाई तो ये है कि झूमर भी इसे नहीं गिरवाया था। क्योंकि नहीं चाहता था कि इसकी दोस्त वो काजल अंशुमन सर के साथ डांस करे। नहीं अंशुमन, चाहे कुछ भी हो जाए, रोचक कभी भी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। मैं भी उसे मिलकर आती हूँ। काजल एक सेकंड, अभी तो हमने रिहर्सल स्टार्ट किया, ऐसे बीच में क्यों छोड़ के जा रही है? I'm sorry अंशुमन, मुझे रोचक के पास जाना होगा। काजल लेकिन बात तो सुनो, काजल हमेशा रिहर्सल के बीच में चली जाती है। रिहर्सल थोड़ी सी अच्छी होने लगती है, पता नहीं इसके कौन से काम आ जाते हैं लाइफ में। ये काजल की लाइफ में कितने डिस्ट्रैक्शन हैं। अब इन सारी प्रॉब्लम से मुझे काजल को दूर रखना होगा ताकि काजल अपने डांस पे और इस कॉम्पिटिशन पे फोकस करे। रश्मि जी, वैसे कोई है जो आपकी मदद करना चाहता है? कौन? रश्मि जी एक बार सुन लीजिए ना। देखिए, आपसे बात करने के लिए उसने ये हिस्सा बुक किया स्पेशली कि शांति से बात कर सके आपसे। सुन लीजिए ना तानिया, पता आप बिल्कुल पसंद नहीं करती है मुझे, और मैं यहाँ आपकी पसंद बदलने भी नहीं आई हूँ, सिर्फ हेल्प करने आई हूँ, आपकी भी और खुद की भी। मैं कुछ समझी नहीं। रश्मि जी, एक काम करते ना, बैठ कर बात करते आराम से, शांति से। सुन लीजिए ना, आइए आइए बैठिए तानिया। रश्मि जी चलिए ना, देखिए आपको काजल की कसम। बैठिए आइए तानिया, बैठिए। आप लोग करिए बात, करिए। काजल, अब ये क्यों कॉल कर रही है मुझे? कहीं हम तीनों के मिलने की भनक तो नहीं लग गई इसे? कंटिन्यू। एक काम करिए आंटी, आप फोन अटेंड कर लीजिए, तब तक हम काम की बात कर लेते हैं, प्लीज। अच्छा ठीक है, एक्सक्यूज मी, करिए करिए बात। बार बार फोन क्यों कर रही है तू? आंटी अब एक बार मेरी बात, तेरी बकवास बंद कर दी, मुझे ना तेरी कोई बात नहीं सुनी। और खबरदार जो आज के बाद तूने मुझे फोन किया तो। आंटी प्लीज मुझसे एक बार बात कर लीजिए, रोचक कहाँ है? होगा कहीं, तुझे क्या? और अगर मुझे पता भी होता तो तुझे कभी नहीं बताती। आंटी आप मुझ पर गुस्सा बाद में उतार लीजिएगा, लेकिन इस वक्त मुझे रोचक के बारे में बात करनी है। कल रात से वो घर नहीं आया, आपको इस बारे में कुछ पता है? रोचक गया होगा अपने दोस्तों के साथ घूमने झांसी से बाहर, तुझसे क्या? संभाल करती आप आंटी, आपका बेटा कल रात से घर नहीं आया और आपको कोई टेंशन ही नहीं, जबकि आपको पता है कि इससे पहले रोचू ने कभी भी बिना बताए घर से बाहर रुका नहीं है। वो शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि इस वक्त आपका बेटा जेल में है। क्या? ये तेरी करतूत है, जरूर तूने कुछ किया होगा। पता अब क्या किया तूने? अब कौन से कांड में मेरे बेटे को तूने जेल में बंद करवाया है? मैंने नहीं आंटी, बल्कि आपकी उस नई फ्रेंड तान्या ने अरेस्ट करवाया रोचू को। उसी से पूछ लीजिए क्यों किया उसने ऐसा। तान्या ने? तू सच बोल रही है? मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ।
गया। ये क्या किया तुमने? तुमने मेरे बेटे को जेल में बंद करवा दिया। मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम पर विश्वास किया, तुमने बदले में मेरी पीठ पे छुरा घोंपा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया बताओ? धीरे बोलिए और नीचे बैठ जाइए। ये नीचे बैठना बैठना छोड़ो, मेरे बेटे कहाँ नीचे बैठिए। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? अगर मैं आपसे कहती तो आप मुझे उसे अरेस्ट करवाने देती? इस वक्त उसको चुप कराना बहुत जरूरी था हमारे लिए। लेकिन तुम पहले मुझे बोल तो देती। टेंशन मत लीजिए आप, अगर मैं उसे अरेस्ट करवा सकती हूँ तो मैं उसे छुड़ा भी सकती हूँ। तुम अभी के अभी फोन घुमा? टेंशन मत लीजिए आंटी, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को। अगर मैं उसे जेल नहीं भिजवाती तो वो हम दोनों को जेल भिजवा देता और सबको पता चल जाता कि वो शैंडलर हमने ही गिरवाया था काजल को। देखो मुझे ये बकवास नहीं सुननी, तुम पहले रोचक को बाहर निकालो। फोन करो, अभी फोन लगाओ और मेरे बेटे को बाहर निकालो जल्दी। सर आपको जरूर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। एक्चुअली रोचक ने मुझे उस एक्सीडेंट से बचाया था, अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने इस वक्त जिंदा खड़ी नहीं रहती। तुझे बचाया या मारा वो छोड़, महेंद्र को मार मार के उसका चेहरा सुझा दिया इसने, खुद बना दिया उसे। गलत सलत बयान जबरन रिकॉर्ड कर लिया, कांड तो किया है ना इसने। कोई फायदा नहीं है काजल, बिका हुआ ये, नहीं सुनेगा तेरी। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसे जेल से बाहर निकालने के लिए मुझे सफाई दे रही है और ये अपना केस खुद ही खराब करने पर तुला बैठा है। मजा आ रहा है इसे जेल के अंदर। इसे बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं है। खबरदार एक और शब्द भी बोला तो ऑलरेडी इतनी सारी बेवकूफियां कर चुका है। चुपचाप खड़ा रहे, मैं बात करती हूँ। सर आप एक बार प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन मुझे कोई बात ही नहीं करनी, ना तुझसे ना इस सनकी से। और हाँ एक बात साफ साफ सुन ले, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बाहर निकलकर फिर किसी और को पीट पाट दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए ना। हाँ मैडम। उस लड़के को छोड़ दो। जी कहा ना मैंने, हम अपनी कंप्लेन वापस ले रहे हैं, महेंद्र भी अपनी कंप्लेन वापस ले लेगा, छोड़ दो उसे। नसीब अच्छा है तेरा जो किसी ने जिम्मेदारी ले ली तेरी, वरना लॉकअप में पड़े पड़े सड़ता रहता। पांडे जाने दे इसे, खोल दो। काजल मैं बोलो तान्या क्या तो दिखाओ भाई। काजल काजल मेरी बात तो सुनिए, क्या तुझे भी लगता है कि वो झूमर मैंने तुझ पे गिरवाया था? मुझे कुछ भी नहीं लगता, ना ही मैं इस बारे में कुछ सुनना चाहती हूँ और ना ही बात करना चाहती हूँ। कमाल है यार काजल, या मैं तेरे सामने सच लाना चाहता हूँ तो तुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सच जानने में। क्या कर लूंगी यार मैं सच जान के? तुझे लगता है कि इसमें तान्या दी का हाथ है और अंशुमन को लगता है कि इसमें तेरा हाथ है। अगर तेरी बात सच निकली तो फिर अंशुमन का दिल टूट जाएगा, और अगर अंशुमन की बात सच निकली तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा। क्या फायदा है इसे सच जानने का जिसे सिर्फ दिल ही टूटते हैं? ऐसे सच से मैं दूर रहूं यही अच्छा है मेरे लिए। वैसे भी इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे डांस पर फोकस करना है। रोचू तू जानता है ना ये कंपटीशन जीतना कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, प्लीज मुझे मत रोक। मैं अपने सपनों और अपनी फैमिली के खुशियों के बीच किसी को भी आने नहीं दूंगी, तुझे भी नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।